हैप्पी एनिवर्सरी सताक्षी, तुम्हें पता है आज पूरा एक साल हो गया मैं साथ में। सूरज थैंक यू सो मच, तुम ये कार लाए हो मेरे लिए। मुझे लगा ही था कि एक दिन ना तुम मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान करोगे। आई एम सो हैप्पी। नहीं नहीं सताक्षी, वो मैं कह रहा था कि तुम मेरी बात सुनो बेबी, तुम्हें पता है ना कि ये कार मेरी फेवरेट है। आई एम टू लकी टू हैव यू। तुम्हारी गाड़ी की चाबी इसके पास क्या कर रही है? मैडम अगर गाड़ी मेरी है तो चाबी भी तो मेरे पास होगी ना। क्या ये कार तुम्हारी नहीं है? हाँ सताक्षी, अगर चाबी उनके पास है तो गाड़ी भी उनकी होगी। मैं तब से तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये कार मेरी नहीं है। सूरज लेकिन कल तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान कर रहे हो। सरप्राइज कहाँ है मेरा? सताक्षी यही तो वो सरप्राइज था, ये तो मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया था। ये देखो तुम्हारे फेवरेट फ्लावर और ये तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। तुम्हें पता है सूरज गलती ना मेरी है, पिछले एक साल से मैं तुम जैसे फटीचर को डेट कर रही हूँ और तुम क्या लेकर आए हो ये मेरे लिए? चॉकलेट। तुम्हें मैं 2 साल की बच्ची लगती हूँ, एक चॉकलेट में खुश हो जाऊंगी। मुझे लगा था कभी ना कभी तुम मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान करोगे, लेकिन तुम ना हमेशा से फटीचर थे और फटीचर ही रहोगे। तुम्हारे बस की ना कुछ भी नहीं है। देखो सताक्षी मैं मानता हूँ मेरा बुरा टाइम चल रहा है, बेबी मुझे थोड़ा और टाइम दो। मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और पक्का कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, मुझे बस कुछ वक्त और दे दो। सूरज कुछ वक्त? पिछले एक साल से ना मैं यही डायलॉग सुन रही हूँ और मैंने ना पूरा एक साल वेस्ट कर दिया तुम्हारे साथ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ वेस्ट करूंगी। ब्रेकअप। सताक्षी ऐसा तो ना बोलो यार प्लीज। अच्छा भाई बुरा ना माने तो एक बात बोलू? हाँ जी बोलो। ओ मिस्टर ये ना हम दोनों के बीच की बात है, आपको ना बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, अपना कार लो और चलते बनो। देखो एक वक्त था जब मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी थी, मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन कॉलेज में मुझे एक लड़की मिली जिससे मुझे प्यार हो गया और जिससे मैंने आज शादी भी कर ली, और वो मुझे ना हर सिचुएशन में सपोर्ट करती थी। और मेरे हालात इतने बुरे थे कि मैं 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाता था, इवन मेरी कॉलेज की फीस भी कई बार मेरी गर्लफ्रेंड ने ही भरी है। अगर मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरी सक्सेस के पीछे किसी वुमेन का हाथ है तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे गर्लफ्रेंड तो वो होती है जो मुसीबतों में भी आपका साथ दे। अरे जब आपका अच्छा वक्त आता है तो अच्छे वक्त में तो आपके पराए लोग भी अपने बन जाते हैं। और हाँ ऐसी लड़कियों से दूर ही रहना जो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसे से प्यार करती है। और भाई एक बात बोलूँ, एक ना एक दिन आपका भी वक्त बदलेगा, और देखना तब उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था। और ऐसी लड़की से दूर ही रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ ना तुम्हें डिमोटिवेट करके तुम्हारी लाइफ खराब कर देती है और तुम्हें डिप्रेशन में डाल देती है। तो अपनी लाइफ अपने लिए जियो और अपनी फैमिली के लिए जियो। मैं चलता हूँ, मेरा काम तो समझाना, बाकी तुम्हारी लाइफ तुम बेहतर जानो। साक्षी मैं हमेशा ये सोचता था कि क्या ऐसा करूं जिससे तुम खुश रहो। दिन रात मेहनत करता था कि दुनिया की तुम्हें हर खुशी दूं, लेकिन आज मुझे पता चल गया तुम्हें तो पैसों से प्यार है, महंगी गाड़ियों से, महंगी वॉच, महंगी आईफोन, और मैं तो इन सब में कहीं भी नहीं आता। सूरज तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, उसकी बातों में मत आओ और भूल जाओ उसकी बातें। और मैंने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा, प्लीज हम दोबारा स्टार्ट करते हैं ना। नहीं सताक्षी मैं उस लड़के की बातों में नहीं आया, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अच्छा वो वक्त रहते मुझे सच्चाई पता चल गई, मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा था कि हमेशा तुम्हें खुश रहूं, हर वो चीज दे सकूं जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हें तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं था सताक्षी। मैं ही पागल था जो हमेशा तुम्हारी गलतियों को बर्दाश्त करता था, लेकिन सताक्षी ये कोई गलती नहीं है जिसे मैं भुला दूं, और ना ये कोई भूलने वाली चीज है। तो प्लीज बेहतर यही होगा सताक्षी कि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं। और हाँ आगे से मुझे कोई मैसेज और कॉल मत करना। गुड बाय। सूरज लेकिन मेरी बात तो सुनो।